अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट अल्ताफ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बूढ़ा वाली ग्राउंड। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, बूढ़ा वाली ग्राउंड का संगे बुनियाद जो है वो इमरान ख़ान ने 1993 में रखा था और उसके बाद इस ग्राउंड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई, काफ़ी इस पर वर्किंग की गई। बूढ़ा वाली ग्राउंड है ये फैसलाबाद का क्रिकेट सेंटर है, यहाँ पर काफ़ी सारे क्लब जो हैं वो नेट प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्लब जो हैं वो मॉर्निंग टाइम करते हैं, कुछ जो हैं वो इवनिंग टाइम करते हैं। उसके बाद इस ग्राउंड में फील्डिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है, इस ग्राउंड में कीपिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इस ग्राउंड की खूबसूरती के लिए इसमें फ्लड लाइट्स जो हैं वो नस्ब की गई हैं। अब चूँकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो फ्लड लाइट टूर्नामेंट्स होते हैं, आइए चलते हैं नेट प्रैक्टिस की जानब। मुख्तलिफ क्लब्स के मुख्तलिफ प्लेयर जो हैं वो इस वक्त नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि नेट प्रैक्टिस जो है ये आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त कुछ प्लेयर जो हैं वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें बॉलर जो हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं, बैट्समैन जो हैं वो बैटिंग कर रहे हैं। नेट प्रैक्टिस ही है जिसकी वजह से आपकी स्किल्स जो है ना उनमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। जी तो नाज़रीन, अभी बोड़ा वाली ग्राउंड में फील्डिंग प्रैक्टिस जो है वो जारी है। फील्डिंग प्रैक्टिस का आपको ये फ़ायदा होता है मैच में कि आप से कैच जो है उसके ड्रॉप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ग्राउंड फील्डिंग जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, उसके मिस होने के बहुत चांसेस कम होते हैं। लॉन्ग कैचेस के बाद अब शॉर्ट कैचेस जो हैं उनकी प्रैक्टिस मैं आपको दिखाता हूँ। आपको आप जितनी ज़्यादा फील्डिंग करेंगे उसका फ़ायदा आपको ग्राउंड में होगा जब आप मैच खेलेंगे, क्योंकि मैच के दौरान आपसे ना तो फील्ड मिस होगी ना ही कोई आप कैच ड्रॉप करेंगे। अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट आपका जो है ना वो आपको ग्राउंड में नज़र आएगा। जी मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त बूढ़ा वाली ग्राउंड में सेंट्रल पंजाब चैम्पियनशिप जो स्कूल्स की हो रही है
तो उसकी इस वक्त बोड़ामाली ग्राउंड में तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। पवेलियन की तज़ीनो आराइश की गई है, क्योंकि प्लेयर्स के बैठने के लिए एक्स्ट्रा चेयर्स जो हैं वो भी लगाई जा रही हैं, पैनाफ्लेक्सेस जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। जी तो नाज़रीन, कल से यहाँ पर बोड़ामाली ग्राउंड में पंजाब जो है स्कूल चैम्पियनशिप हो रही है, तो उसके आज जो है वो सारे इंतज़ाम मुकम्मल हो चुके हैं। तो कल से यहाँ पर वो चैम्पियनशिप जो है वो स्टार्ट है, वो 24 तक रहेगी। तो उसमें पंजाब के मुख्तलिफ स्कूल जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम है क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि यहाँ से ही स्कूल क्रिकेट से ही नर्सरी पैदा होती है क्रिकेट के लिए। तो मैं समझता हूँ ये पंजाब हुकूमत और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये बहुत अच्छा इकदाम है कि उन्होंने स्कूल क्रिकेट जो है उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे पहले जो स्कूल क्रिकेट थी वो तकरीबन ना होने के बराबर थी। लेकिन अब चूंकि ये अच्छा इकदाम है, तो इस इकदाम को हम सराहते हैं, क्योंकि मैं खुद भी क्रिकेटर रहा हूँ। तो हमें तो स्कूल लेवल तक तो क्रिकेट का पता ही नहीं था, अब चूंकि पंजाब हुकूमत ने दोबारा से स्कूल क्रिकेट जो है शुरू कर दिया है, तो कल से ये फैसलाबाद के दो ग्राउंड्स हैं, एक इकबाल स्टेडियम और दूसरा बोड़ामाली ग्राउंड, जहां पे ये क्रिकेट जो है ये शुरू हो रही है स्कूल क्रिकेट। कल बोड़ामाली ग्राउंड में एक फ्लड लाइट मैच हुआ था वकला और जर्नलिस्ट के दरमियान, चूँकि ये मैच जर्नलिस्ट की टीम ने जीत लिया था। तो आइए जानते हैं जर्नलिस्ट की टीम के कप्तान से। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं उवैद हुसैन और इस वक्त मौजूद हूँ बोड़ामाली ग्राउंड में। और ये जो कल मैच हुआ है बहुत कांटेदार मैच हुआ है, वकला वर्सेस जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट के कप्तान मेरे साथ मौजूद हैं अमर फजल, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि मैच कैसा कल का हुआ। जी अमर फजल साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैच स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन और बार के दरमियान जो मैच हुआ है बड़ा ज़बरदस्त हुआ, कांटेदार मुकाबला, और इसमें हमने 269 स्कोर किया, उनको टारगेट 270 दिया था। और अमर फैसल साहब, आप पहले सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो आपको ये प्लान कैसे मिला कि आप वकला के साथ मैच खेलें। जी मैं, इन्होंने पहला एक टूर्नामेंट करवाया था बड़ा शानदार, जिसमें इन्होंने काफ़ी कम बैक किया, सेमीफाइनल तक पहुँचे। तो मैंने इनको चैलेंज किया कि हमारी जो स्पोर्ट्स की टीम है, जर्नलिस्टों की टीम है, हम आपके साथ मैच खेलना चाहते हैं। उसके बाद ये प्लान हुआ, हमने मैच खेला और आपके सामने ये रिजल्ट सामने आया। वकला को कैसे देखते हैं कि उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छे प्लेयर थे? हाँ जी, उनकी तरफ से एक जवेद था जो नैब रीडर है वकला का, तो उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया, और जिस तरह हमारी प्लानिंग थी कि अगर हम ये आउट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये मैच जीतेंगे, इसी तरह हमने हमारे बॉलर ने आउट क्लास परफॉर्म की, फील्डिंग में, बॉलिंग में, विकेट कीपिंग में, हर शोबे के लिहाज से। स्पिनर जिस तरह मियां यासर साहब ने 2 विकेटें लिए। अच्छा अमर फजल साहब, हमें अगला प्लान अपना बताएं कि आपने क्या जेन में प्लान बनाया हुआ है कि फैसलाबाद में क्रिकेट जो फ्लड लाइट क्रिकेट है वो ज़्यादा होने शुरू हो गए, टूर्नामेंट काफ़ी होते हैं, लेकिन आप क्या प्लान किया हुआ है इसके बारे में? जी हमने ये स्पोर्ट्स और आपके जो आप इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, जो हमारी टीम है ना, इंशाल्लाह ताला यही टीम जो आगे चलेगी, और हमने ये टूर्नामेंट के लिए एक शक्ल अख्तियार कर रहे हैं कि ये फैसलाबाद में तफरीही दें और आवाम को पता चले कि क्रिकेट अगर जिंदा है, ग्राउंड जिंदा है, तो हॉस्पिटल वरान होंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये इसी ग्राउंड में, फ्लड लाइट में ही हम ये टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं। अमर फैसल, आपने इंटरनेशनल टूर भी काफ़ी किए हैं, PSL भी कवर किए हैं, और फैसलाबाद की क्रिकेट को कैसे देखते हैं आप? फैसलाबाद की क्रिकेट में थोड़ा सा वो जिस तरह के डोमेस्टिक का हाल है वो आपके सामने, डोमेस्टिक में वो पोजीशन नज़र नहीं आ रही कि जिस तरह लाहौर, रावलपिंडी, कराची में खेल रहे हैं। अगर इनके गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो ये हमारे फैसलाबाद में क्रिकेट बड़ी अप्रूव हो सकती है।